नमस्कार, मैं मिसेज पूजा नरवाल आप सबका स्वागत करती हूं अपने इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि सर्कुलर प्लाजो की जो नीचे है हमें पिको कैसे करते हैं। तो इसके लिए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपके पास जिगजैग मशीन होनी चाहिए, आप सिंपल मशीन से इसे नहीं कर सकते। आपको जितनी मोटी पिको चाहिए आप उस नंबर पर अपनी मशीन की सिलाई को सेट करें। इसके लिए मैंने इसकी चाल को 3 पर और इसकी चौड़ाई को भी 3 पर सेट किया है। और अब हम इसके जो है हमारी पिको के लिए फुट आता है वो फुट को इस पर चढ़ा लेंगे। ये ध्यान रखें हमारी मशीन है जो वो जिगजैग होनी चाहिए, आप नॉर्मल मशीन से इसे नहीं कर सकते। अब हम अपना कपड़ा लेंगे नीचे से जहाँ से हमें इसको पिको करनी है। अब हम इसे अपनी मशीन का जो फुट है उसमें अच्छे से सेट करेंगे। इसके लिए हम फुट को उठाएंगे और हमारा जो कपड़ा है उसको हल्का हा फोल्ड करते हुए इसके अगली साइड से कपड़े को इस फुट के अंदर डाल देंगे। यह देखिए जैसे मैं कर रही हूँ आपको सेम वैसे ही करना है। अगर आप इससे नीचे से स्टार्ट करेंगे तो आपकी जो पिको है नीचे से गोल गोल नहीं होगी। आप ध्यान से देखें, देखिए मैंने जैसे कपड़ा इसके फुट के अंदर लगाया है आप सेम ऐसा ही लगाएं। अब हम धीरे धीरे अपनी मशीन को चलाएंगे और पीछे से भी हम कपड़े को भी खींचते रहेंगे हल्का हल्का, और एक हाथ से हम हल्का हल्का फोल्ड करते हुए कपड़ा इस फुट में डालते जाएंगे। यह देखिए हमारी जो पिको है एकदम अच्छी से बनकर निकल रही है। ऐसे ही हम चारों तरफ से इसके पिको कर लेंगे। यह देखिए अब हमारा जो प्लाजो है उसमें सिलाई आ गई है। तो अब हम इसके ऊपर भी सेम इसी तरीके से पिको को करेंगे, लेकिन जब हम इसके ऊपर से पिको करेंगे तो जहाँ पर हमारी यह मशीन आएगी सिलाई के ऊपर वहाँ पर थोड़ी अटक जाएगी। तो इसके लिए हमें हमारा जो पिछला हाथ है उसको थोड़ा हा खींचना पड़ेगा ताकि यह जो आसानी से निकल जाए। यह देखिए एकदम सफाई से हमारी सिलाई पर भी पिको हो गई है। ऐसे ही हम जब हमारी पिको ख़त्म होने वाली होगी तो हमें थोड़ी सी 1-2 इंच उसके ऊपर से भी पिको करनी है ताकि हमारी जो पिको है नीचे से वो उधड़े नहीं। और अब हम उसके एक्स्ट्रा धागे हैं जो उसको कट कर देंगे। यह देखिए हमारी जो पिको है एकदम फिनिशिंग के साथ अच्छे से बनकर तैयार हुई है।